साथियों, आज हम सीखते हैं WAG 12 लोको में कैब चेंज करने का तरीका। साथियों, कैब चेंज करते समय सबसे पहले हम थ्रॉटल हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन पर लाएंगे। साथ ही साथ अब SA9 को अप्लाई करेंगे। SA9 को अप्लाई कर दिया। SA9 अप्लाई करने के साथ में ब्रेक सिलेंडर प्रेशर गेज में प्रेशर का आना चेक करेंगे। लोको ब्रेक लगाकर लोको खड़ा करने के पश्चात मास्टर कंट्रोलर हैंडल पर MPJ को फॉरवर्ड से हटाकर ऑफ में रखेंगे। तत्पश्चात पार्किंग ब्रेक अप्लाई करने के लिए DDU पैनल के नीचे लगे पार्किंग ब्रेक स्विच को एप्लीकेशन पोजीशन में ले जाकर छोड़ेंगे। अब हम BLDJ के द्वारा सेकंड नंबर का स्विच है, जो कि VCB नाम से है, इसको हम ओपन पोजीशन यानी ऊपर की ओर ले जाकर छोड़ेंगे, जिससे DJ ओपन हो जाएगा। VCB ओपन करने के पश्चात हम DDU पैनल के नीचे लगे पहले नंबर के स्विच पेंटोग्राफ को नीचे की ओर दबाते हुए लोअर पोजीशन में लाकर छोड़ेंगे और लोअर करने पर पेंटो नीचे होगा। पेंटो नीचे करने के पश्चात अब हमें इस कैप को सिक्योर करना है, जिसके लिए हम A9 हैंडल को FS पोजीशन पर लेके जाएंगे। रन पोजीशन से FS पोजीशन पर और FS पोजीशन पर इसे हम लॉक कर देंगे। साथ ही साथ इस कैब में मोड स्विच को हम लीड पोजीशन से हटाकर ट्रेल पोजीशन पर रख देंगे और कैब छोड़ने से पहले SA9 को हम रिलीज कर देंगे और BL चाबी को ऑन पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए ऑफ पोजीशन में लाकर बाहर निकालेंगे। स्क्रीन का स्ट्रक्चर यह आएगा और इस BL चाबी को लेकर कॉरिडोर से होते हुए हम दूसरे कैब में जाएंगे। दूसरे कैब में जाने के पश्चात सबसे पहले हम SA9 को एप्लीकेशन पोजीशन में रखेंगे। तत्पश्चात हम BL चाबी को मास्टर कंट्रोलर पर लगाकर ऑफ से ऑन पोजीशन में लाएंगे। अब हम कैब के सेटअप को बदलेंगे, जिसमें मोड स्विच को PRL से लीड पर रखेंगे और ऑटो हैंडल को FS से अनलॉक करते हुए रन पोजीशन पर रखेंगे। रन पर रखने के पश्चात हम देखेंगे हमको BC प्रेशर बता रहा है, लोको ब्रेक लगे हुए हैं, BP प्रेशर भी 5 kg आ गया है, LED इंडिकेशन पैनल पर LSDJ जल रहा है और पार्किंग ब्रेक की बत्ती जल रही है। जब हम पहले जिस कैब में थे वो सेक्शन 2 की थी, इसलिए वहाँ पे सेक्शन 2 का आपको ब्लू बता रहा था, जबकि यहाँ पे अभी सेक्शन 1 का आपको ब्लू बता रहा है। अब हम एनर्जाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे इस कैब को। इसके लिए DDU पैनल के नीचे सेंट्रल पैनल के पहले स्विच को ऊपर की ओर उठाते हुए पेंटो रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको यह 27.2 kV बता रहा है। नीचे पार्किंग ब्रेक अप्लाई स्थिति में आपको दर्शाया जा रहा है और यहाँ पे आप देखें सेक्शन 1, लेकिन सेक्शन 2 का पेंटो रेस बता रहा है, जो कि ग्रीन हो गया है। अब हम सेंट्रल पैनल पर सेकंड नंबर के स्विच VCB को नीचे की ओर दबाते हुए VCB क्लोज करेंगे। ये VCB का आइकॉन ग्रीन दिखा रहा है। इस प्रकार ये कैप चेंज करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब यदि हमें मूवमेंट करना है तो मूवमेंट करने से पहले हमको पार्किंग ब्रेक को रिलीज करना पड़ेगा। जैसा ही पार्किंग ब्रेक रिलीज होगा तो ये पार्किंग ब्रेक का आइकॉन लाल से हरा हो जाएगा और इसी के पास LED पैनल पर लगा हुआ पार्किंग ब्रेक का LED इंडिकेशन भी बुझ जाएगा।